इनर इंजीनियरिंग बाय सदगुरु जग्गी वासुदेव। इस भागदौड़ से भरी दुनिया में हर व्यक्ति इतना उलझा हुआ है कि खुद के अंदर झांकने की फुर्सत किसी को नहीं है। इतने उलझे हम खुद हैं, उससे भी कहीं ज्यादा उलझे हमारे विचार, जिनके कारण मानसिक शांति और सुख प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है। यूं तो आजकल योगा मानसिक शांति प्रदान करने के लिए बहुत प्रचलित हो गया है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों के लिए योग मात्र शारीरिक तंदुरुस्ती का एक जरिया है। लेकिन योगी कहते हैं कि योग बस एक शारीरिक तंदुरुस्ती का जरिया ही नहीं, बल्कि इससे हम मानसिक शांति और आंतरिक खुशी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब के जरिए योगी ने ज्ञानोदय के उन रहस्यों को उजागर किया है जो कि इस पाश्चात्यकरण से भरी दुनिया में कहीं खोसी गई है। इस किताब को पढ़कर आपको आंतरिक शांति, सुख और संतोष को प्राप्त करने का मार्ग मिलेगा। इसे पढ़कर आप सीखेंगे क्यों आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचकर आप आध्यात्मिकता के नए आयामों को छू सकते हैं। अपने अंदर आनंद और उत्साह का निर्माण कैसे करें। पहला सबक, कभी न खत्म होने वाली संतुष्टि का स्रोत हमारे ही अंदर छुपा है। इस प्रतियोगिता से भरे युग में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि कई लोग सफलता की बुलंदियों पर बैठकर भी खुशी और संतोष का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो वो सफल होने के बाद भी सफलता की खुशी नहीं मना पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद को भुलाकर सफलता की ओर ध्यान देना कारगर तो है, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जिस सफलता की चाह में हम अपने आप को भुला देते हैं, उसे हासिल करने के बाद हमें यह एहसास होता है कि इसके लिए हमने क्या कुछ खो दिया है। इस बात को समझाने के लिए भारत में कहानी बहुत प्रचलित है। लेखक ने भी अपनी इस कहानी में उस कहानी का विवरण किया है। कहानी इस तरह है कि एक बार एक पक्षी ने बैल से कहा कि मेरे पंख कमजोर हो गए हैं, अब मैं पेड़ पर बैठकर प्राकृतिक नजारों का आनंद नहीं ले सकती। बैल ने समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि तुम मेरे गोबर को रोज थोड़ा खा लिया करो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम उड़ सकोगी। चिड़िया ने ऐसा ही किया और बैल द्वारा बताया गया तरीका काम कर गया और वो उड़कर पेड़ पर बैठ गई। उसकी चहचहाने की आवाज से किसान का ध्यान उसकी ओर गया। इतने तंदुरुस्त और रसीले पक्षी को देखकर उसने उसे मारकर खा लिया। ठीक ऐसा ही इंसानों के साथ भी होता है। कामयाबी को पाने के लिए कभी कभी हम किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन उसका नतीजा हमेशा अच्छा नहीं होता। सच्चे संतोष को पाने के लिए हमें दुनिया को अपनी अंतरात्मा के नजरिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग दुनिया को बाहरी नजरिए से देखते हैं और इसी बाहरी दुनिया में अपनी खुशी तलाशते रह जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, लेखक कहते हैं कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो ज्यादातर लोगों के हिसाब से वो किताब हमारे हाथ में होती है, लेकिन असल में तो किताब पर जो रोशनी पड़ रही है वह आपकी आंखों में उस किताब का प्रतिबिंब बना रही है। तो जो किताब आप पढ़ रहे हैं वो तो आपके अंदर ही है। लेखक कहते हैं कि इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है कि सच्ची खुशियां और संतोष हमारे अंदर ही बसा है। दूसरा सबक, आप अपने जीवन के अनुभवों को अपने हिसाब से नया मोड़ दे सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच और आपकी भावनाएं आपके द्वारा ही संचालित होती हैं। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि क्यों कभी किसी को गले लगाना हमें सुकून देता है और वहीं दूसरी ओर किसी के गले लगाने पर घुटन महसूस होती है। लेखक कहते हैं कि दोनों ही सूरतों में काम एक ही है, लेकिन भावनाएं और सोच अलग है। किसी अपने के गले लगाने पर हमें आनंद महसूस होता है और वहीं हम जिसे नापसंद करते हैं उसके गले लगाने पर घुटन होती है। इस उदाहरण से ये साबित होता है कि हमारी भावनाओं को हम खुद संचालित करते हैं और ये पूर्णतः हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। एक ही प्रकार के कार्य पर हमारा मस्तिष्क कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में हमारी भावनाएं क्या हैं। ये सारी भावनाएं हमारे मस्तिष्क ही का एक हिस्सा है और इन पर अपनी पकड़ बनाकर हम अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कई लोग इन भावनाओं को महसूस करने के लिए शराब और नशे का सहारा लेते हैं, जबकि लेखक का कहना है कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन बाहरी अनादायक वस्तुओं की जगह हम अपने शरीर में खुद एक आनंद से भर देने वाले अणु का निर्माण कर सकते हैं। वो अणु है आनंदामाइंड नाम का एक केमिकल जो हमारे शरीर में बनता है और ये हमें सुख और आनंद का एहसास कराता है। इसका असर किसी अफीम के नशे से भी ज्यादा होता है। हमारे शरीर में इसकी ज्यादा से ज्यादा मात्रा बने, इसके लिए हमें जरूरत है बस थोड़े से व्यायाम की और हर समस्या का सामना करने के लिए खुद को मजबूत बनाने की। जैसे कि जब भी हमें कोई बड़ा कठिन काम मिले या आप किसी समस्या में फंस जाएं, तो खुद को ये एहसास दिलाइए कि सब ठीक है और आप ये काम आसानी से कर लेंगे। हमारे देश के योगियों और साधुओं ने इसी अणु को ध्यान और साधना के जरिए अपने अंदर बनाने में महारत हासिल कर ली थी, इसीलिए वो असीम सुख और संतुष्टि का आनंद लेते रहे हैं।
तीसरा सबक, ज्यादातर लोग भावनाओं में बहकर जीवन के रास्तों का चुनाव करते हैं, जबकि इन रास्तों का चुनाव हमें पूरे होशो हवास में करना चाहिए। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि जो बात उन्हें दर्द और दुख की अनुभूति कराती है वो उसको खुद ही भूलना नहीं चाहते और उसकी कहानी बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। जैसे कि अगर किसी के साथ हमारा कोई रिश्ता टूट गया है तो हम महीनों और बरसों उसे याद कर करके खुद को दुखी करते रहते हैं। कई लोगों की तो ऐसी आदत होती है कि उनके दिमाग में बस जिंदगी की दर्द भरी कहानियां ही चलती रहती हैं, जबकि जिंदगी के प्रति हमारा नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। जो हो गया है उसे भूलकर नई राह अपनाना ही जिंदगी है। लेखक कहते हैं कि बुरे अतीत से अपना आज बुरा करने से अच्छा है कि उससे प्रेरणा लेकर अपना कल अच्छा करें। लेखक ने बताया कि वो एक ऐसी लड़की को जानते हैं जिसने अपने जीवन के कड़वे अतीत से बहुत कुछ सीखा और संतोष प्राप्ति की राह पर चल पड़ी। उस लड़की और उसके भाई को नाजियों की सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने परिवार से अलग कर दिया था। वो लोग उन्हें रेलवे स्टेशन ले गए और ट्रेन में बैठने को कहा। इसी दौरान उसके भाई ने खेलते हुए अपना एक जूता गुम कर दिया। गुस्से में उसने अपने भाई को खूब मारा और बुरा भला कहा, लेकिन वो आखिरी दिन था जब उसने अपने भाई को देखा। बाद में तो बस उसके मरने की खबर ही आई। इस सदमे से टूटकर बिखरने के बजाय उसने ये सीखा कि जीवन बहुत छोटा है, क्या पता कब आप किसी से आखिरी बार मिल रहे हो, इसीलिए सबसे मुस्कुराकर मिलो ताकि बाद में पछतावा ना हो। इस सीख ने उस लड़की की जिंदगी बदल दी और इस बदलाव से उसे आंतरिक संतोष की अनुभूति हुई। चौथा सबक, जिम्मेदारियां आपकी आजादी को और बढ़ा देती हैं। जब हम जिम्मेदारियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ये बात आती है कि जिम्मेदारियां हमें बंधनों में बांध देती है, इसीलिए लोग जिम्मेदारियां उठाने से डरते हैं। लेकिन इसके विपरीत लेखक कहते हैं कि जिम्मेदारियां तो हमारे जीवन में विकल्पों को बढ़ा देती हैं। इसे उदाहरण स्वरूप समझाने के लिए लेखक कहते हैं कि मान लें आपको विश्व भ्रमण पर जाना है और आप अकेले बिना किसी जिम्मेदारियों के हैं तो आपके पास एक ही विकल्प है, लेकिन अगर आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है तो आपके पास ढेरों विकल्प हैं। जैसे आप उन्हें भी अपने साथ ले जा सकते हैं, या उनके साथ ही घर पर रुक सकते हैं, या अकेले जा सकते हैं। तो आपको इतने सारे विकल्पों में से चुनने की आजादी मिल जाती है। जिम्मेदारियों से पीछे छुड़ाने से अच्छा है उन्हें निभाना सीखें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिम्मेदारियां आपके बोझ को बढ़ाएं, बल्कि जिम्मेदारियों के होने से व्यक्ति ज्यादा अनुशासित और सही निर्णय ले सकता है। जीवन की सच्ची पहचान जिम्मेदारियों से ही आती है और बिना जिम्मेदारी के जीवन दिशाहीन हो जाता है। जिम्मेदारियों को निभाने की बात सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश और समाज के प्रति भी हमारी कई जिम्मेदारियां होती हैं। जब देश के किसी कोने में कोई तूफान या बाढ़ जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आए तो हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय हम कोशिश कर सकते हैं मदद करने के तरीकों को ढूंढने की। अगर आप पूरे जतन से कोशिश करने के बाद भी मदद का जरिया नहीं ढूंढ पाते तो कम से कम आपके दिल में कोशिश करने का सुकून तो रहेगा। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जिम्मेदारी को निभाने के प्रयास में जितनी थकान होती है उससे कहीं ज्यादा सुकून उसे निभाकर संतुष्ट होने में होती है। पांचवा सबक, ज्ञानोदय के लिए शरीर, दिमाग, भावनाओं और ऊर्जा का एक ही दिशा में कार्यरत होना जरूरी है। जिस प्रकार जीवन के कई क्षेत्रों में टीम वर्क होना बहुत जरूरी होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी सभी अंगों का एक साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे शरीर में सभी कार्य सुचारू रूप से चल सके। इसीलिए लेखक का कहना है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे शरीर, ऊर्जा, भावनाएं और हमारे मस्तिष्क का एक ही दिशा में मिलकर कार्य करना जरूरी है, क्योंकि इन सब के संगम से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाएगी। इस बात को और सरल तरीके से समझाने के लिए भारतीय साहित्य में एक गाथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार चार योगियों का समूह किसी वन से गुजर रहा था। उसमें से एक शारीरिक योगा में विश्वास करता था, दूसरा अंतरात्मा और मस्तिष्क की शक्ति में, तीसरा शरीर में बसे योग चक्रों की शक्ति को सबसे ऊपर समझता था, वहीं चौथे को ये लगता था कि अपनी भावनाओं पर विजय पाना ही सबसे जरूरी है। सब अपने अपने रास्ते को ज्ञान पाने का एकमात्र रास्ता मानते थे। वो वन से होकर गुजर रहे थे कि अचानक तेज बारिश और तूफान आ गया। उन्होंने एक पुराने मंदिर में शरण ले ली। वो मंदिर बहुत पुराना था, उसमें दीवारें नहीं थी, इसलिए तूफान से खुद को बचाने के लिए उन चारों ने भगवान की मूर्ति के पास एकत्रित होकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया। तभी अचानक वहां भगवान स्वयं ही प्रकट हो गए। उन्हें देख योगियों को आश्चर्य हुआ। एक ने पूछा, हम सारी जिंदगी आपकी उपासना करते रहे, तब तक आपने दर्शन नहीं दिए, तो आज कैसे प्रभु? भगवान मुस्कुराए और बोले, आज तुमने चारों शक्तियों का मिलान कर दिया है। जब मन, शरीर, भावनाएं और ऊर्जा, इन सब का मिलन होता है, तभी सच्ची भक्ति और ज्ञान का मार्ग खुलता है। इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए हम भी जीवन में इन चार आवश्यक तत्वों को एक दिशा में कार्यरत कर सकते हैं।
लेखक कहते हैं कि इनमें से एक ने भी अगर संतुलन खोया तो आप अपने मार्ग से भटक सकते हैं। अगले सबक में हम जानेंगे कि कैसे हम इन चारों का संतुलन योगा के जरिए बना सकते हैं। छठा सबक, हमारा शरीर असीम शक्ति और संभावनाओं का केंद्र है, क्योंकि ये धरती और ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। इस बात को समझना बहुत मुश्किल है कि हम धरती का ही एक हिस्सा हैं। जब हम माँ की कोख में एक भ्रूण के रूप में आए थे, तभी माँ के खाने से ही हमें जीवन मिला था। वो खाना धरती माँ का ही दिया हुआ था। इस बात से ये साफ है कि हमारे अस्तित्व के आरंभ से लेकर हमारी मृत्यु तक हम धरती से जुड़े हुए होते हैं। जब भी धरती या हमारे आसपास के वातावरण में कोई बदलाव आता है तो उसका असर हमारे शरीर पर भी जरूर देखने को मिलता है। लेखक अपने जीवन का एक वाक्य सुनाते हुए कहते हैं कि उन्होंने एक बार चिक्की गोडा नाम के एक व्यक्ति को अपने खेत में काम के लिए रखा। वो गूंगा और बहरा था, लेकिन बहुत मेहनती था। एक बार उसने काम करते हुए अचानक काम बंद करके सब सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेखक के पूछने पर उसने बताया कि बारिश आने वाली है। लेखक हैरान हुए कि इतने साफ मौसम में बारिश, लेकिन उसकी बात मानते हुए लेखक ने काम बंद कर दिया। बस कुछ ही देर बाद सच में बारिश की झड़ी लग गई। चिक्की गोडा ने लेखक को बताया कि मौसम के बदलाव को वो अपने शरीर में महसूस कर सकता है, और ये बात सच है। इस ब्रह्मांड में होने वाला हर एक बदलाव हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। लेखक का कहना है कि चिक्की गोडा की तरह हम भी अपने शरीर को ऐसे बदलाव को महसूस करने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। सातवां सबक, हमारा बौद्धिक ज्ञान कई बार हमारे जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में बाधक बन जाता है। ये सच है कि विज्ञान ने इंसान के जीवन को बहुत से तोहफों से नवाजा है, लेकिन एक सच ये भी है कि विज्ञान कई बार हमारी आंखों पर ज्ञान की ऐसी चादर डाल देता है कि कुछ आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझना हमारे लिए कठिन हो जाता है। इन आध्यात्मिक रहस्यों की गहराई में झांके बिना हमें जीवन का सच्चा आनंद मिलना मुश्किल है। ग्रीक में कही जाने वाली एक छोटी कहानी इस बात को और अच्छे से समझाती है। इस कहानी के अनुसार एक बार महान फिलोसोफर एरिस्टोटल समुद्र तट के किनारे घूम रहे थे। शाम का सुहाना समा था, लेकिन वह अपने ही विचारों में खोए थे। तभी उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो चम्मच से रेत में गढ़ा करने की कोशिश कर रहा था। एरिस्टोटल ने बड़ी ही हैरानी से उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं समुद्र के पानी को भरने के लिए गढ़ा खोद रहा हूँ। ये बात सुनते ही एरिस्टोटल हंसने लगे, तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन तुम भी तो ये सोचते हो कि ब्रह्मांड का सारा ज्ञान तुम्हारे मस्तिष्क में समा जाएगा। तुम्हारा मस्तिष्क भी ब्रह्मांड के सामने एक छोटा गढ़ा ही तो है, तो फिर हम दोनों में से ज्यादा पागल कौन है? एरिस्टोटल ये बात सुनकर हैरान रह गए। वो चम्मच से गढ़ा खोदने वाले व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि फिलोसोफर हेराक्लिट्स थे। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि विज्ञान हमें ज्ञान देता है, लेकिन कई बार इस ज्ञान के कारण हम खुद को सर्वोपरि मानने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश मात्र हैं। जब तक हम खुद को ब्रह्मांड का एक हिस्सा नहीं मानकर चलेंगे, तब तक हम जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त नहीं कर सकते। आठवां सबक, कई स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत होते हैं, जहां जाकर हम अपने आध्यात्मिक सफर की शुरुआत कर सकते हैं। कई लोग आध्यात्मिकता के ज्ञान को एक गुप्त मार्ग की तरह मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मार्ग पर कोई और भी चल सकता है, बस जरूरत है तो दृढ़ निश्चय और विश्वास की। लेखक के अनुसार कई ऐसे खास स्थान हैं जो कि ऊर्जा के स्रोत की तरह होते हैं। वहां जाकर हमें आध्यात्मिकता के सफर की शुरुआत कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर कई ऐसे स्थान हैं जहां योगियों और महापुरुषों ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। वहां के वातावरण में आज भी उनकी शक्तियां और ऊर्जा का प्रवाह हम महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी ही जगह है तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत, जहां की फजाओं में एक अजीब सी आध्यात्मिक शक्ति महसूस होती है। ऐसे ही स्थानों पर जाकर हम अपनी ऊर्जा, शरीर, इंद्रियों का सही संतुलन बना सकते हैं। अपने आप को दुनिया की भीड़ से अलग इस पृथ्वी के हिस्से के रूप में महसूस करते हुए इस सफर की शुरुआत कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि इन स्थानों पर रहस्यमय ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो न सिर्फ हमारे आध्यात्मिकता को बढ़ाता है बल्कि हमारे ज्ञान और स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी करता है। लेखक ने अपने जीवन का एक वाकया सुनाते हुए बताया है कि कैसे कैलाश यात्रा से उनकी सेहत में सुधार हुआ। बात थी सन 2007 की, जब बिगड़ती सेहत के कारण लेखक अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कैंसर, मलेरिया और थायराइड एक साथ हो गया है। लेखक इससे निजात पाने के लिए कैलाश चले गए। वहां पहुंचने के बाद कुछ ही दिन बाद उनकी सेहत में सुधार आने लगा। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हम किसी ऐसे स्थान पर अपने शरीर का संतुलन बनाकर आध्यात्म पा सकते हैं। कुल मिलाकर जीवन की सच्ची खुशी और उमंग हमारे अंदर ही बसा हुआ है।
ये हम पर ही निर्भर करता है कि हम अपनी जिंदगी को कैसा मोड़ देते हैं। चाहे हम खुद को खुश रख सकते हैं या फिर दर्द के तारों को बार बार छेड़कर दुखी भी रह सकते हैं। अपने शरीर, मस्तिष्क और ऊर्जा को नियंत्रित करके और आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन से हम आंतरिक सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्या करें, अपने खाने को पूरा स्वाद लेकर खाएं। जीवन में शांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वर्तमान में जीना। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि खाते वक्त आप अपने खाने का पूरा स्वाद लेकर खाएं। अपने मुंह में आ रहे स्वाद और फ्लेवर को महसूस करें। अपने पहले प्यार या ऑफिस में करने वाले काम या और कुछ भविष्य या भूतकाल की बातों को छोड़कर आपका पूरा ध्यान बस खाने में होना चाहिए। आप सुन रहे थे इनर इंजीनियरिंग बाय सद्गुरु जग्गू वासुदेव। ये समरी आपको कैसे लगे हमें जरूर बताइए।